मुजफ्फरपुर जिले में एक ऑनलाइन सेंटर पर ICR की परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया और परीक्षा रद्द करने की मांग की। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने दादर बैरिया सड़क को जाम कर दिया और नारेबाजी करने लगे। मुजफ्फरपुर के दादर स्थित मुजफ्फरपुर डिजिटल परीक्षा केंद्र पर आज ICR के PG और PhD की परीक्षा होने वाली थी। सुबह से ही अभ्यर्थी पहुंचने लगे। 10 बजे से परीक्षा का समय तय था, लेकिन समय अत्यधिक हो जाने के बाद भी परीक्षा नहीं शुरू की गई और न ही सेंटर पर किसी तरह की कोई व्यवस्था थी, जिससे परीक्षार्थी आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। वहीं सूचना पर नगर DSP राघव दयाल और SDM पूर्वी ज्ञान प्रकाश पहुंचे और परीक्षार्थियों से बात कर मामला शांत कराया। पूरे मामले में पूछे जाने पर नगर DSP राघव दयाल ने कहा कि कुछ बच्चे उग्र होकर सड़क पर आ गए थे, जिन्हें शांत कराया गया। बच्चों की मांग थी कि परीक्षा केंद्र के अंदर कुछ गड़बड़ी है, जिसे सुलझा लिया गया और सभी बच्चे परीक्षा में शामिल हो गए। आकर के बच्चों को जब ये रोक रहे हैं तो मार रहे हैं बच्चों को, पत्थर चला करके मार रहे हैं बच्चों को। और मतलब टाइमिंग से एक तो बहुत भीड़ होने के कारण इनके पास सिस्टम था नहीं जो ये पूरा अपना काम कर पाए सही से। ऊपर से बार बार एग्जाम जब शुरू हो गया तो बीच में भी रुक रहा है एग्जाम। कुछ बच्चों को सब एग्जाम देने के लिए आए थे, उन लोगों को सेंटर से बाहर कर दिया था, वो लोग रोड पर आ गए थे, फिर हम लोग आए हैं तो सब लोग अंदर गए हैं एग्जाम देने के लिए। एग्जाम चालू हो गया है। क्या मांगता था एग्जाम? एग्जाम करवा दिया जाए, यही मांगता उन लोगों का। रोड जाम सब समाप्त कर दिया गया है, इन लोग का एग्जाम पुनः शुरू हो रहा है और जो टाइम कुछ लेट हुआ है तो टाइम भी इनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि अपना एग्जाम जो है टाइम के अनुसार दे सके। अब मेरा बिहार बदल रहा है और अब मुजफ्फरपुर में महानगर जैसा सर्विस और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट्स 60 मिनट में मुफ्त होम डिलीवरी पाए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।